हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू मॉमी ऑन द ब्लॉग। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कितनी प्रकार के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं और इन्हें कब कब किया जाता है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है और प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए पहले जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड कितने टाइप का होता है। अल्ट्रासाउंड का पहला टाइप है ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आपके एब्डोमन से किया जाता है, यानी कि आपके पेट पर एक तरह की जेल लगाई जाती है और फिर डॉक्टर स्कैनर की मदद से आपके बेबी का अल्ट्रासाउंड करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसे ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड का अगला टाइप है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। इसमें डॉक्टर्स आपकी वजाइना में प्रॉप डालकर अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करते हैं। इससे आपकी पैल्विक एरिया की बेहतर और क्लियर इमेजेस मिल जाती हैं और बेबी की पोजीशन का भी सही सही पता लग जाता है। ये जनरली प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में किया जाता है। इसके बाद आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन, जिसे एंटी स्कैन या एंटी पीटी अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। बेबी की नेक में पीछे की तरफ एक क्लियर टिश्यू होता है, जिसे न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी कहा जाता है। ये टिश्यू बिल्कुल क्लियर भी हो सकता है या इसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से डॉक्टर्स ये पता लगाते हैं कि इस टिश्यू की ट्रांसल्यूसेंसी कितनी है, यानी कि इसमें कितना फ्लूइड है और ये कितना क्लियर है। बेबी की नेक के पीछे वाले एरिया में फ्लूइड की मात्रा के हिसाब से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं बच्चे को कोई जेनेटिक कंडीशन या बीमारी तो नहीं है, बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। ये स्कैन ज़्यादातर तब किया जाता है जहाँ प्रेगनेंसी थोड़ी बड़ी एज में होती है या फैमिली में ऐसी किसी जेनेटिक बीमारी की हिस्ट्री होती है या डॉक्टर्स को डाउट होता है। ये स्कैन कराना मैंडेटरी नहीं है, हालांकि आजकल ज़्यादातर डॉक्टर्स हर प्रेगनेंसी में ये स्कैन रिकमेंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड का अगला टाइप है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ये ज़्यादातर आपकी प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में किया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि आपके बेबी की बॉडी में ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट हो रहा है या नहीं। इसे मोस्टली बेबी के हार्ट की फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि आपकी प्लेसेंटा से आपके बेबी के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही है या नहीं। ये अल्ट्रासाउंड भी मैंडेटरी नहीं है और ज़रूरत महसूस होने पर ही डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। अल्ट्रासाउंड का अगला टाइप है 3D अल्ट्रासाउंड। 3D अल्ट्रासाउंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इससे आप अपने बच्चे की एक्चुअल इमेज देख सकती हैं, यानी कि आपका बच्चा हकीकत में कैसा दिखेगा, उसके नाक नक्श कैसे हैं, इसका पता इस अल्ट्रासाउंड से लगाया जा सकता है। ये भी एक ऑप्शनल अल्ट्रासाउंड है और अगर आप अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आप ये अल्ट्रासाउंड करा के अपने बेबी को देख सकती हैं। इसमें मोस्टली स्कैनिंग के बाद आपको बेबी का एक फ़ोटो दिया जाता है। इसके बाद आता है 4D अल्ट्रासाउंड। 4D अल्ट्रासाउंड भी 3D अल्ट्रासाउंड की तरह ही है। इसमें बस इतना फ़र्क है कि आपको एक विजुअल दिखाया जाएगा, यानी कि आप स्क्रीन पर वीडियो की मदद से अपने बेबी को एक्टिविटीज़ करते हुए भी देख सकती हैं। आपका बच्चा कैसे आपकी टमी के अंदर रोल कर रहा है या थंब सक कर रहा है या क्या कर रहा है, आप सब कुछ TV की स्क्रीन पर देख पाएंगी। ये सभी तरह के अल्ट्रासाउंड बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रॉपरली और क्लोजली मॉनिटर करने के लिए किए जाते हैं और इससे डॉक्टर कई तरह की बातों का पता लगाता है, जिसके बारे में मैं आपको अपने पिछले अल्ट्रासाउंड वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस वॉज ब्रॉट यू बाई न्यू मॉमी ऑन द ब्लॉग। थैंक यू।